हेलो दोस्तों, वेलकम इन स्ट्रक्टी मार्क। स्ट्रक्टी मार्क में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बाइंडिंग वायर के बारे में बता रहे हैं कि हम क्यों बाइंडिंग वायर्स यूज़ करते हैं स्टील को बाइंड करने के लिए। वाई आर स्टील बाइंड्स बाई बाइंडिंग वायर। रीजंस होता है बाइंडिंग वायर को बाइंड करने के लिए कि जो हमारा रीइन्फोर्समेंट होता है, जो हमारा स्टील होता है, वो इधर उधर ना भागे, कहीं भी मूव ना करे। इस वजह से हम लोग बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं। जो भी पर्टिकुलर सेक्शन हमारा बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, किसी का भी सेक्शन होता है, अगर वो इधर उधर भागेगा तो क्या दिक्कत होगी कि उसकी जो स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी होती है स्ट्रक्चर की या किसी भी बिल्डिंग की, वो डिक्रीज होगी। इस वजह से हम लोग बाइंडिंग वायर का प्रॉपर प्लेस करते हैं ताकि स्टील हमारी प्लेस्ड रहे एक जगह पर। टेक्निकल नॉलेज की बात करें बाइंडिंग वायर की, तो टेक्निकल नेम होता है इसका ब्लैक एनील्ड वायर बोलते हैं। मेड ऑफ वायर माइल्ड स्टील का होता है। प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस होती है। यूज्ड फॉर रीबार टाइंग को बांधने के लिए यूज होता है। डायमीटर 0.61 mm से 1.22 mm का होता है, जो कि कोटेड नहीं होता है, उसका होता है। एंड 0.2 mm टू 2 mm विद कोटेड होता है। पर्पस क्या होता है? टू होल्ड लैप्ड बार्स को लैप करने के लिए, कि होल्ड पे इधर उधर ना भागे, एक सेक्शन पे, एक पोजीशन पे रहे, चेयर्स, स्पेसर, सारी चीजें, और उसको डिजाइन, लोकेशन, पोजीशन और डायरेक्शन सारा एक जगह पे रहे स्ट्रक्चर का। इस वजह से हम बाइंडिंग वायर का यूज करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो 260 से 480 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। स्टील जो हम लोग का ग्रेड डिजाइनिंग में यूज होता है वो C10-12 का यूज होता है। और कॉमनली यूज जो वायर होते हैं हम लोगों के, वो 0.8 mm से 1 mm होता है या 2 mm, इसी के बीच में यही तीन वायर्स यूज होते हैं जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। साइज जो होती है, जो रील या स्टेम की जो साइज होती है, 20 kg कॉयल आता है, 40 kg में कॉयल आता है, या 1000 kg के स्टेम्स आते हैं पूरे। टिप्स की बात करेंगे, कैसे आप टिप्स में, कोई भी पूछे कि भाई एस्टिमेट बताओगे बाइंडिंग वायर कितना यूज होता है, तो 100 kg स्टील बार को बाइंड करने के लिए 0.85 से 1.4 kg के बीच में बाइंडिंग वायर यूज होता है। 1000 kg को टाई करना है, बांधना है, या 1 टन को बांधना है, तो 8.5 से 13.5 kg बाइंडिंग वायर यूज होता है। और अगर आपको 1 टन बांधना है, जैसे कि 28 mm, 32 mm, ये मोटी सरिया होती है, 46 mm स्टील बांस, तो इसको टाई करना है, तो 7.5 से 8 के आसपास अप्रोक्सीमेट हमारा बाइंडिंग वायर यूज होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी स्ट्रक्टिमार्क कंस्ट्रक्शन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।